स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने नंबर सिस्टम पार्ट 1 वीडियो अपलोड की है। नंबर सिस्टम पर बेस सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया है। उसमें मैंने आपको सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, डेसिमल एक्सपेंशन, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप उस वीडियो को देखिए, समझिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर देखिए उस वीडियो को, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेट स्क्वायर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन में स्क्वायर रूट 3 रिप्रेजेंट करना है। पहले हम रूट 3 को सॉल्व कर, रूट 3 को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने रूट 2 को स्प्लिट किया था, वैसे ही हम रूट 3 को स्प्लिट करेंगे। और रूट 3 को स्प्लिट करने के लिए 3 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 2 प्लस 1। ओके, अब देखिए रूट 2 किसका स्क्वायर है, 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है। कैसे होता है, देखो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज इक्वल टू 2। तो इट मीन्स अंडर स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दिया जो कि 2 का, जो 2 के इक्वल होता है, प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही स्क्वायर होता है। अब आपको देखिए रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 प्लस 1 इज रूट 3। नंबर लाइन में मैंने आपको रूट 2 सिखाया था, तो रूट 2 पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए ये 0 1 2, रूट 2 का हमने क्या किया था, 1 लिया, 1 में हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया इस तरीके से, मैंने आपको सिखाया था। ये हो गया यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम 1 यूनिट पे कट कर देंगे। मीन्स यहाँ से यहाँ तक आप इंचेस में देख रहे हैं, तो ये 1 इंच होगा, तो यहाँ से यहाँ भी 1 इंच होगा, और हम इसको ज्वाइन कर देंगे। और फिर उसके बाद हम कंपास का पॉइंट यहाँ रखे, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखे, ये आया हमारे पास रूट 2। अब रूट 3 जो है इसी पे ही हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो रूट 2 हो गया। अब रूट 2 में यहाँ पे फिर आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है, और यहाँ से फिर आप ऐसे और ऐसे कट कीजिए, आपको ऊपर के कट कीजिए, और आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो रूट 1 के ऊपर टच कर रहा हो। ओके, यहाँ से फिर जहाँ पे आपने रूट 2 मार्क किया है वहां से आप कंपास यहाँ का पॉइंट यहाँ रखिए, और पेंसिल से एक आर्क लगा दीजिए 1 इंच पर। फिर आप देखिए यहाँ जो 0 है, इस 0 से आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखना है, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखना है, और इसको आपने यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो ये है हमारे पास रूट 3, ये रूट 3 आया। ओके, तो अब यहाँ देखिए अगर मैं इसको नेम दूँ, ये तो ए है, ये हो गया बी, ये है सी, और ये हो गया डी, रूट 3 यहाँ पे रूट, ये डी हो गया। रूट 3 को मैंने ई पॉइंट और इसको मैंने एफ। अब आप कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, आप देखेंगे ए ई ए एफ डी। तो आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए एफ डी, देखिए यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करेंगे। और पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें ए एफ है, ए एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए एफ क्या है, डी एफ है, डी एफ होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है, ए से डी तक है ना, तो ए डी का होल स्क्वायर। ओके, अब ए एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एफ, डी एफ हमारे पास कितना है, हमने यहाँ से यहाँ तक कितना इंच लिया था, ये 1 था, ये भी 1 था,
ये कितना इंच लिया था 1 इंच, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस एडी, एडी यहाँ से यहाँ तक कितना था √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, AF² = 3 और ये स्क्वायर हम इस दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा √3। तो इस तरह से हमारे पास जो ये AF लाइन आई है ये √3 हुई है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।